सीहोर के छावर जिले में भी देश के साथ ही कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दिनों दिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन इस आपदा में मिले अवसर का झोला छाप डॉक्टर जमकर फायदा उठा रहे हैं। आलम यह है कि इलाज के नाम पर यह मरीजों से भारी भरकम राशि वसूल कर रहे हैं, साथ ही बिना निर्धारित योग्यता और अनुभव के यह मरीजों का इलाज कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह क्लिनिकों में मरीजों की भारी भीड़ जमा करने के अलावा कोरोना की गाइडलाइन का भी मखौल उड़ा रहे हैं। इससे लोगों में कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्र के आर्या, दिवड़िया, खेरी, ब्रिजिस नगर आदि गाँवों में इस तरह के हालात आसानी से देखे जा सकते हैं। दिवड़िया और आर्या में तो बंगाली डॉक्टर अपने घरों में बेड लगाकर मरीजों को भर्ती करके उनका उपचार कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बिना निर्धारित योग्यता के यह स्वयं तो इलाज करते ही हैं, साथ ही इनके परिजन भी मरीजों को इंजेक्शन और बॉटल लगाकर उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। लापरवाही के कारण लोग आए दिन इसकी चपेट में आकर संक्रमित हो रहे हैं। तेजी से फैल रहे संक्रमण के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ऐसे में गांवों में स्थिति झोला छाप डॉक्टर इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। यह इलाज के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों से भारी भरकम राशि वसूल रहे हैं। आलम यह है कि इनकी क्लिनिकों में सुबह से देर रात तक मरीजों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बिना निर्धारित डिग्री, डिप्लोमा और अनुभव के यह मरीजों का उपचार कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार के हालात क्षेत्र के गांव आर्या, दिवड़िया, खेरी, ब्रिजिस नगर, बलुंडिया आदि में आसानी से देखे जा सकते हैं। खासकर गांव आर्या और दिवड़िया में बंगाल से आए व्यक्ति जो स्वयं को डॉक्टर बताते हैं, यह क्लिनिक संचालित कर और उसमें बेड लगाकर साधारण से गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का उपचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गंभीर मरीजों को यहां भर्ती भी किया जाता है। हालत यह है कि कोरोना के डर से मरीज अपना उपचार कराने के लिए अस्पताल अथवा डॉक्टरों के पास जाने के बजाय इन झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिकों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यह कथाकथित डॉक्टर भी बिना निर्धारित योग्यता और अनुभव के साधारण से लेकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का उपचार कर रहे हैं। ये इलाज के नाम पर मरीजों से न सिर्फ भारी भरकम राशि वसूल रहे हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उक्त क्लिनिकों में कोरोना की गाइडलाइन का मखौल उड़ाते हुए भी आसानी से देखा जा सकता है। दरअसल क्लिनिकों में पर्याप्त जगह नहीं होने से मरीजों और परिजनों के बीच सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जाता है। इसके अलावा उक्त फर्जी चिकित्सकों द्वारा बेड एवं अन्य उपकरणों का उपयोग उन पर बिना सैनिटाइजर के छिड़काव के ही अन्य मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके चलते कोरोना संक्रमण फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जो है हमने निर्णय लिया है, और SDM साहब और हमारी जो मीटिंग हुई थी इस संबंध में, जो कमेटी है उसकी, और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो प्राइवेट चिकित्सक हैं, जो जिस पैथी में रजिस्टर्ड हैं, जैसे होम्योपैथी का चिकित्सक है, आयुर्वेदिक का चिकित्सक है या यूनानी का चिकित्सक है, तो जिस पैथी में वो चिकित्सा हम पंजीयन है उसी पैथी से इलाज करेगा। अगर उसके अलावा दूसरी पैथी से इलाज करता हुआ पाया गया, पकड़ा गया, तो उसकी क्लिनिक सील कर दी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यदि मान लो हमारे पास जानकारी आती है कि ये कोई व्यक्ति आता है जिसने मान लीजिए किसी प्राइवेट चिकित्सक से इलाज कराया है और उसकी मृत्यु होती है बाद में, तो उस चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नोटिस जारी हो चुका है। दोपहर न्यूज़ के लिए सीहोर से अनिल मालवीय की रिपोर्ट।